हाँ जी बेटा, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में मैं आपको बता रही थी कि जैसे ए बी हमारे पास 5 सेंटीमीटर दे रखा है, बी सी 3 सेंटीमीटर है, ए सी 8 सेंटीमीटर है। तो आपको क्या करना है, देखो ए बी प्लस बी सी, तो पहले ए बी प्लस बी सी, ए बी है हमारा 5 सेंटीमीटर, बी सी है हमारा 3 सेंटीमीटर, दोनों को प्लस करेंगे कितना आ गया 8 सेंटीमीटर। तो ये जो 8 सेंटीमीटर आया ये किसके इक्वल आया, हमारा ए सी के, क्योंकि ए सी भी हमारा 8 सेंटीमीटर गिवन था। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने ए बी प्लस बी सी करके देखा तो वो इक्वल टू ए सी के इक्वल आ गया। ठीक है, तो हमेशा देखो ये कंडीशन हमारी ये है कि अगर ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी आ जाता है तो दैट मीन्स द पॉइंट बी लाइज बिटवीन ए एंड सी। देखो ऐसे होता है, जैसे इस तरीके से ये हमने एक लाइन सेगमेंट मान लीजिए ड्रॉ करी ये, ठीक है, देखिए ऐसे। अब जैसे मान लीजिए कि अगर हमें ये चेक करना है कि हमारा पॉइंट बी बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा बी, तो नेचुरल सी बात है कि इधर ए होगा और इधर हमारा सी होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना होता है, ए बी प्लस बी सी चेक करके देखना है। अगर ए बी प्लस बी सी वो इक्वल टू सी ए के इक्वल आ गया, ए बी प्लस बी टू सी, अगर वो सी ए के इक्वल आ गया तो इसका मतलब बी पॉइंट क्या होगा, वो ए सी के बीच में लाई करेगा, बिटवीन लाइज करेगा, वो बीच में होगा। ओके, आगे है क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछ रहा है, वो क्या इसमें दे रहा है, ये देखिए, ये क्वेश्चंस को रीड करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 वेरीफाई, देखो इसमें ये बोला है बेटा क्वेश्चन नंबर 5 में, वेरीफाई डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए जी। देखो ये लाइन सेगमेंट बनी हुई है, ये नंबर बने हुए हैं, इसमें आपको चेक करना है क्या ये डी इस ए जी का मिड पॉइंट है, येस और नो। ठीक है, ये हमें इसमें चेक करना है क्या ये इसका मिड पॉइंट है, येस और नो। देखिए कैसे करेंगे, तो सबसे पहले जैसा कि हमें ये लाइन सेगमेंट बुक में गिवन है, तो हम क्या करेंगे ए डी, पहले ए टू डी का मेजरमेंट मेज़र कर लेंगे। देखो ध्यान से, जब ए टू डी आप मेज़र करोगे तो इसमें क्या क्या आता है, ए टू बी प्लस बी टू सी प्लस सी टू डी। ठीक है, ए टू डी में क्या क्या आता है, ए टू बी प्लस बी टू सी प्लस सी टू डी। तो अब देखो ए बी, ये सारा ये जो बीच में गैप है ये सारा 1-1 सेंटीमीटर का है, जैसे 1 से लेकर 2 के बीच में 1 सेंटीमीटर का है, फिर 1 का है, तो ये हमारा 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, तो तीनों को प्लस करोगे 1 प्लस 1 प्लस 1 तो कितना आ गया 3 सेंटीमीटर। ठीक है, 3 हो गया। फिर उसके बाद आप डी टू जी चेक करोगे, डी टू जी, तो डी टू जी में क्या क्या आ रहा है, डी ई प्लस ई एफ प्लस एफ जी, क्योंकि जब हम तीनों को इनको ज्वाइन करेंगे डी टू ई ई टू एफ एफ टू जी, तो हमारा बन जाएगा डी जी। तो देखिए 1 सेंटीमीटर ये, 1 सेंटीमीटर ये, 1 सेंटीमीटर ये, कितना हो गया 3 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब हमारा यहाँ पर ए डी और डी जी, ए डी का आंसर और डी टू जी का आंसर, दोनों का 3 सेंटीमीटर आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डी मिड पॉइंट होगा ए जी का। कैसे, क्योंकि देखो ए टू डी और डी टू जी, ठीक है, ए टू डी हमने चेक किया और डी टू जी किया, दोनों का आंसर सेम है, इसका मतलब जो डी है वो ए जी का क्या है, मिड पॉइंट, डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए जी। ओके, आगे नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए हमें इसमें क्या देखना है, क्या हमें दे रखा है यहाँ पर, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 में, इफ़ बी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, अगर बी ए सी का मिड पॉइंट है, सी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी डी, सी मिड पॉइंट है बी डी का, वेयर ए बी सी डी लाई ऑन ए स्ट्रेट लाइन, वेयर ए बी सी डी सभी के सभी स्ट्रेट लाइन पे एक ही लाइन पे लाई करते हैं, तो से वाई ए बी इक्वल टू सी डी, हमें ये प्रूफ करके लेके आना है कि ए बी इक्वल टू सी डी कैसे होगा।